केसेस उम्र और ज्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स के चेयरमैन सैयद अल्ताफ हुसैन आबिदी को आज रात करीब 12:30 बजे CCS पुलिस गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद ले आई। वाजह रहे कि सैयद अल्ताफ हुसैन आबिदी को दीगर मुकामात से जमानत मिल चुकी है और अब इन्हें सिर्फ हैदराबाद से ही जमानत मिलनी बाकी है। सैयद अल्ताफ हुसैन आबिदी को अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया जाएगा और CCS पुलिस दोबारा इनको तहवील में लेते हुए पूछताछ करेगी। बर्क न्यूज को बवासुक जराये से पता चला है कि कारवान को धोखा देने वालों के जो नाम असदुल्ला बेग तकी अलमारूफ तकी काउंसलर ने CCS पुलिस को बताए थे, वो तमाम नाम KSS के चेयरमैन सैयद अल्ताफ हुसैन आबिदी भी बताने जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक उस वक्त होगी जब CCS पुलिस की रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, जिसमें सैयद अल्ताफ हुसैन आबिदी का बयान दर्ज होगा। बर्क न्यूज अपने नाजरीन को इस मुकदमे के पेशरफ के मुतालिक तमाम जानकारी पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।